पहले के ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गीता उत्तराखंडी देवभूमि के खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के बज चुके हैं 9। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्ट मेरी 9 बजे से हो रही है और यहाँ पे ना पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप खिली है आजकल। यहाँ पे कोहरा वोहरा धुंध ऐसी लगती नहीं है, साफ मौसम होता है और धूप बहुत अच्छी धूप आई है आजकल। तो बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है, उतनी अच्छी धूप भी आई है और एकदम अच्छा मौसम हो रहा है ना। आपको मैं दिखा देती हूँ कितना अच्छा मौसम। तो अब चलते हैं खाना खाने के लिए। आजकल डायरेक्टली हम लंच ही कर रहे हैं यहाँ पे, अब लंच खाने के लिए चलते हैं। पीछे मेरा बेबी खेल लगा हुआ है और यहाँ पे एक महाशय फ़ोन में लगे हैं, सुबह सुबह फ़ोन पकड़ रखा है, गेम बस ये जाने इसका गेम जाने और यहाँ पे ये खेल लगा है। तो अब करते हैं लंच। हमारा दिन का लंच होने लग गया और आज के लंच में बनाए हैं गहत के डुबके और हरी सब्जी सलाद और अब खाते हैं। अब आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसा बना है। तो ये हमने बना दिया, अब खाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर दिन में लंच हुआ। मेरे को बिल्कुल ब्लॉग बनाने का समय नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारे चाय और बिस्कुट नाश्ता चल रहा है और तो पहले चाय और बिस्कुट कर लेते हैं। चाय है ये, सब लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, दिखाते हैं आपको। नाचिल कंप्यूटर में क्या दिए अच्छा कंप्यूटर सीखने से आप तो है छोटी पुतला लगा मला हां हां चलो बाबा मत आओ खा बाबा पर के दी हुई अब कौन नरवा करती है ए मेला मली ए मेला का तीन है अब वो है वी वे के आई हुई हां 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 अब तो कोई बस हो गया जा ना हाय तो कोई बस हो बस ही दे मैं आज जान जो है वो ये कर सके यहां तो पहली तो वही है ना वो पहली समय में दूसरा हुआ है आज चल लो बाबू जो सो जुल के ला दो ना वो आज आप लोग और अब होटल में ना करती चल चल के जो दिया ना दिन आई वो ना और वो अलग अच्छा क्या भाई में तो नान वाला कहां भाई तुम्हें चल नान वाला चल ना भाई तुम्हें अन्य राजा वो अब घूमा पूना अरे पूना जो विदेशी वो पता नहीं वो तेंजे लाग अरे तो मुली शुरू में जगह ना लो अन्य कुछ चले आए आए अंधेरी में चल रहे थे कल मारे ना लाखों मरे तीन साल में है उसी ना चार ये नांचे ना लगा रहा हूँ और उस आलम को तो ठुल ठुल भी चाली चू जैसे ये पलगाला चलिया नाथ में उठी के अब तो खुद भी ऐसे है क्या आपको बचाने आपको ये नहीं बचाना घर पे चीन हो गया क्या गरीब आसाब ये बात है और ना जो मुझे बाबू नज़र दे वो धमका देता तू रो हर्षा करता तू रो हर्ष में हम मुझे छुला बोल था ना बेटे अध्यानी तीन बखा भागे सर वही हुआ मिल गई अलग नेंदा लगो वाला वही अलग हंदा लगो वाला वही अरे इधर वह बाजार में हमको हाथ पकड़ के हम हमको झील अब हाथ पकड़ के धक्के दिखे जो क्या मैं कुछ ये जो जाओ साले ये न्यू घर का इन्हें करना बस नहीं करना उसे वो जहाँ हाथ तक नहीं बोल पहले ना हाथ तक नहीं बोल नू अब खाई खाई में तो जो जब लंबे खाने की साली वो बाप को शर्म नहीं आती अब वो शर्म होती
हमको तो अभी हम लोग आप अकल भान माजल लागो अकल जाइए घर है घर सही बात घर जाइए फिर लापता हो। देखिए कितना साफ मौसम हो रहा एकदम आसमान नीला नीला। यार अम्मा की दुख भरी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोना जैसा आ गया क्योंकि अम्मा की बातें ही ऐसी थी बहुत इमोशनल कर देने वाली थी और सोचा ही नहीं था कि अम्मा मेरे पास में बैठकर मतलब अपना इतना दुख बोलेंगे। तो जो भी हुआ अम्मा ने अपना दुख बोला तो मुझे भी थोड़ा रोना आ ही गया क्योंकि उनके बेटे इस दुनिया में नहीं हैं और एक बेटा उनका इस दुनिया में नहीं है तो इस वजह से उनका बहुत दुख दर्द था और मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई उनकी बातें सुन के। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यार किसी के लिए ना। तो सोचा नहीं था कि अम्मा इतना इमोशनल खुद हो जाएंगी और मुझे भी इमोशनल कर देंगे तो बहुत बुरा जैसा लगा मुझे भी उस टाइम पर। तो एक पल के लिए मुझे ना बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बात करके भी ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत अच्छी सीख भी मिलती है इन लोगों से बात करके बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है पुराने ज़माने की बातें भी हमें सीखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब आप लोगों को कैसा लगा। तो यार आज ना ब्लॉग बनाने का इतना ही टाइम हुआ और अब रात भी हो गई है और खाना हमने अभी नहीं खाया है रात हो गई है। तो आज के ब्लॉग को ना इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गीता उत्तराखंडी बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नए वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।